मध्य प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में 21 जून से महा टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। इसी को लेकर कलेक्टर ने जिले में अधिक से अधिक वैक्सीनेशन को लेकर एक अनूठा तरीका इख्तियार किया है। भारतीय सनातन संस्कृति में माना जाता है कि पीले चावल किसी भी शुभ कार्य के लिए अच्छे माने जाते हैं, और जब पीले चावल दे दिए जाते हैं तो व्यक्ति आने से नहीं चूकता। बस विधि से कलेक्टर पंकज जैन यही युक्ति निकालकर अब खुद शहर के अनेक इलाकों में पीले चावल लोगों के हाथ में देकर यह कहते नजर आए कि उनका मान रखें और टीकाकरण करवाने अवश्य पहुंचे। कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन के साथ प्रशासनिक अमला भी साथ में था, साथ ही एक कैरी बैग में पीले चावल भी रखे हुए थे जो सभी को जगह जगह जाकर दिए जा रहे थे। कोरोना वैक्सीन को लेकर शासन से लेकर सरकार स्तर तक सभी चिंतातुर है और वैक्सीनेशन अधिक से अधिक हो जाए इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ विदिशा का भी जिला हर प्रयत्न करने को तैयार है। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। जो आप पीले चावल दे रहे हैं 21 तारीख से मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोरोना बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण महाअभियान प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए विदिशा जिले में हम 30,000 से ज़्यादा टीके लगाने का हमने लक्ष्य रखा है और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नागरिक आएँ और इस महाअभियान में अपनी भागीदारी प्रदर्शित करें और टीके के माध्यम से सुरक्षा चक्र प्राप्त करें। सर, पूरे शहर में पीले चावल दिए जा रहे हैं? पूरे शहर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार के अलग अलग तरीकों का प्रयोग करने के लिए, जिसमें हमारे साथ काफ़ी सारे माननीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक प्रतिनिधि और प्रतिष्ठित लोग आ रहे हैं, तो विभिन्न विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करके ये हम लोग प्रचार का प्रयास कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।